कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामले में अब उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा सीएससी पर। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये पंजीकरण कक्ष है, ये सुबह से ही बंद है और यहाँ एक पर्ची भी लगाई गई है कि इस पर्ची को दिखाएं। इस पर्ची में बताया गया है जिस तरह से कलकत्ता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही जो है सीएससी को संपूर्ण रूप से बंद कर रखा है, बस इमरजेंसी वार्ड चल रहा है। चलिए कुछ जो मरीज हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि डॉक्टर जिस तरह से हड़ताल पे गए इसके कारण उन लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सही नाम। आज आप यहाँ आई थी, किस लिए आई थी? क्या डॉक्टरों से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, टीकाकरण के लिए आए थे। क्या दिक्कत हो रही है? बच्चों को टीका लगवाना था बस। नहीं, आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हमें कुछ बताया नहीं था उन्होंने, बस ये कहा, हमने टीकाकरण के लिए पूछा, उन्होंने हमसे ये कहा कि मंगल वाले दिन आना तुम। डॉक्टरों के हड़ताल पे जाने के बाद से मरीजों को भी खासी दिक्कत हो रही है। चलिए हम डॉक्टरों से भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। जो कलकत्ता में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये तमाम वो लोग हैं जो सीएससी किच्छा में स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं और ये क्यों धरने पे गए हैं, इन लोगों से इस विषय में भी बातचीत कर लेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीएस डॉक्टर सीएस टोलिया। सर, ये बताइए कि कलकत्ता में जिस तरह से महिला जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई उसके विरोध में आज आप लोगों ने भी ओपीडी बंद कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कलकत्ता में जो ये जघन्य अपराध हुआ है जूनियर डॉक्टर के साथ, इसी के संदर्भ में पूरे उत्तरांचल में आज 24 घंटे का कार्य बहिष्कार और ओपीडी बंद का हमारा प्राइमरी पीएमएस संघ के अध्यक्ष के द्वारा ये आह्वान किया गया है। ये केवल हमारा एक दिन का ही सांकेतिक हड़ताल है 24 घंटे का। अच्छा, रुद्रपुर में काम करने वाली एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स की रेप के बाद हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके जो परिजन हैं वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इसमें मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जो परिवार के जो है उनका जो डिमांड है अगर सही है तो उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि डॉक्टरों में काफी आक्रोश है जिस तरह से कलकत्ता में महिला जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी। चलिए कुछ महिला स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, इन लोगों से जान लेते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं नमिता सक्सेना। नमिता जी, ये बताइए कि कलकत्ता में जिस तरह से रेप के बाद महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वर्क प्लेस पे भी हम लोग सेफ नहीं है तो फिर हम कहां सेफ्टी की वो कर सकते हैं। क्या मांग है सरकार से आपकी? कि जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भी आरोपी पकड़े गए हैं, और जो नहीं भी पकड़े गए उनकी भी छानबीन और इस केस को अच्छे से वो करना चाहिए। मतलब क्या जो महिला कर्मचारी सीएससी या पीएससी जो भी कर्मचारी अस्पताल में काम करती हैं, क्या उनके लिए सुरक्षा के उतने इंतजाम होते हैं जितने होने चाहिए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सुरक्षा के इंतजाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं हर जगह, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं जब देखने में मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कमजोर है ही हमारी। क्या मांग है उत्तराखंड सरकार से आपकी? यही कि अच्छे से अच्छे सुरक्षा कानून और महिलाओं के लिए स्पेशली अच्छे कानून आने चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे घटना करने से पहले उसको खुद ही डर होना चाहिए ना पहले से। तो आपने सुना कि जो महिला चिकित्सा कर्मी है इन्होंने कहा कि जिस तरह से कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हुई है उसका तत्काल प्रभाव से खुलासा होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही एक सुरक्षा का मुद्दा जो है काफी अहम बन चुका है उत्तराखंड में, जो महिला चिकित्सक हैं या महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार ये अपील कर रही हैं कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वह सुनिश्चित हो सके कि जो अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि दिन और रात दोनों ही टाइम काम करना पड़ता है। चलिए कुछ और डॉक्टर हैं उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद पंगरिया है। गोविंद जी, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे की हड़ताल पे हैं, ओपीडी बंद है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आज सुबह 6 बजे से कल आने वाले रविवार को 6 बजे तक के लिए ये हड़ताल है। इसमें हमारे जो पीएमएस एसोसिएशन है और जो पूरे देश में है समस्त चिकित्सकों ने ये निर्णय लिया है कि जो आवश्यकीय हमारी सेवाएं हैं जैसे इमरजेंसी सेवाएं हैं
और पोस्टमार्टम इत्यादि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। केवल जो ओपीडी जो हमारा कार्य है वो जो है स्थगित, एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी जो सर्वप्रथम मांग है कि जो हमारे महिला जो हमारी कार्यकर्तियां हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक बहुतायत से जो है एक आदर्श पेशे को चुन करके इसमें आती हैं, वो एक सेवा भाव लेकर के आती हैं, लेकिन यदि उन्हें इसके उपरांत भी जो है जो अपने कार्य क्षेत्र में है उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी और जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो है उनको उनके कार्य को करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो न तो वो अपनी पूर्ण दक्षता दिखा पाएंगी और न ही जो है जो, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो दिन और रात के हिसाब से नहीं बटे हुए होते हैं, तो उनको रात में भी काम करना होता है, दिन में भी काम करना होता है। तो सर्वप्रथम जो हमारी मांग है कि सर्वप्रथम तो अस्पताल के समस्त जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जो सुरक्षा है उसके प्रति जो है सरकार ने कोई न कोई ठोस कदम और जो है कानूनी प्रावधान करने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो महिला हमारी जो कार्यकर्ती और अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं विशेषकर रूप से, सभी लोगों के लिए मूलभूत आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए और उनको सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध होने चाहिए। जैसे आप भी हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, देखते होंगे कि समस्त कार्यालयों में जो पीआरडी के जवान हैं या जो सुरक्षा के मतलब मूलभूत जो सुरक्षा के मापदंड होते हैं उनका पालन हर एक कार्यालय में होता है, लेकिन जो इसको जो स्वास्थ्य के सेवा के रूप में एक मंदिर की तरह जो कार्य करता है और एक हम लोग एक पुजारी के रूप में इसमें जो है अपना कार्य का निष्पादन करते हैं, तो हम लोगों के जान माल की सुरक्षा का कोई जो है उचित प्रबंध आज तक जो है सरकार की दृष्टि में नहीं आ पाया है। ये एक जो है दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज तक हम भी जो है एक पुजारी की तरह कार्य करते आए हैं, लेकिन कहीं पर हमें वह अपना स्थान दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो है विवश होकर के हमें अपने जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों का भी हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं और विवश होकर के हमें जो है ओपीडी का पूरे देश में जो है राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन है, जिसका हमें दुख भी है कि हम अपनी सेवा का जो है अपने मन के अंदर मनोभाव होते हुए सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसका दुख है। लेकिन जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि जो है हमारी मांगों पर जो है सार्थकता से जो है कोई प्रयास हो पाएगा। इसलिए मेरा समस्त देश की जनता से अनुरोध है कि वो कृपा कर समस्त चिकित्सकों और समस्त जितने भी हमारे स्टाफ हैं, विशेषकर वो जो आपकी बेटियां हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पूर्ण आह्वान है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ और पूरे राष्ट्र उसके साथ है, तो इन बेटियों की रक्षा करने कौन आएगा? तो दुर्ग में एक महिला जो है नर्स है जो कि एक निजी अस्पताल में काम करती थी, उनकी रेप के बाद हत्या हो गई है। उनके परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये अपराध चाहे रुद्रपुर में हो, चाहे हल्द्वानी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे केरला में हो, पूरे भारत में चाहे कहीं पर भी है, किसी भी महिला के प्रति कोई क्रूरता, कोई भी जघन्य अपराध है, यदि उसमें कहीं पर भी स्थानीय पुलिस इसमें नाकामयाब रहती है, प्रशासन नाकामयाब रहता है, और चूंकि सीबीआई इंक्वायरी किसी व्यक्ति विशेष की मांग के आधार पर नहीं हो सकती है, तो प्रारंभिक जांच के उपरांत यदि कहीं पर भी कोई शक शुभ होता है तो इसमें हाँ सीबीआई इंक्वायरी की भी आवश्यकता होती है, तो जरूर की जानी चाहिए। कोई भी एक भी दोषी जो है इसमें छूटना नहीं चाहिए और हमारे देश की एक भी बेटी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि अन्याय होगा तो हम पुनः इसी तरह के जो है कदम जो है उठाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि इसमें फिर भी हमें चाहे इसके लिए कितनी कुर्बानी देने पड़े, हर माँ का, हर बेटी का और राष्ट्र की हर बेटी की रक्षा करने का हम लोगों का दृढ़ संकल्प है, इसके लिए हम आगे भी बार बार आते रहेंगे। तो आपने सुना कि डॉक्टरों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है कलकत्ता वाले कांड को लेकर, इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो रुद्रपुर में जिस तरह से महिला नर्स जो काम करती थी उसकी रेप के बाद जो हत्या हुई है उसमें जिस तरह से परिवार की जो मांग है उस मांग के आधार पर पुनः विवेचना होनी चाहिए, पुनः जांच होनी चाहिए, जांच के बाद अगर लगता है कि सीबीआई जांच जरूरी है तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। चलिए, कुछ और स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रसाद आर्य है, मैं यहाँ पर। आर्य जी ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं सर, मैं यहाँ पर फार्मेसी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी ये मांग है कि जो ये जघन्य अपराध वहाँ पर किया गया है यह बहुत निंदनीय है, इसकी उचित स्तर से जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमको खेद है कि हम एक चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, मरीज को जो परेशानियां हो रही है इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही यह मांग भी रखते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार ले, यही मैं कहना चाहूंगा। तो आप सुन सकते हैं कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं इनका कहना है कि जिस तरह से 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद की है उसको लेकर जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसको लेकर इनके मन में भी खेद है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी भी था इस आंदोलन को आगे बढ़ाना इनका कहना है। चलिए कुछ और स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे थी और क्या कहना है इनका। सर ये बताइए कि क्या नाम है आपका? दीवान सिंह कोरंगा। दीवान जी ये बताइए कि 24 घंटे के लिए ओपीडी स्थगित की गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये मांग है जो डॉक्टर साहब की हमारी दिन एकदम हत्या हुई है, उसमें हमारे राज्य के प्रांतीय अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी और उसमें डॉक्टर के उसमें हमने समर्थन दिया है, जो डॉक्टर साहब की मांग को हम समर्थन वो कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? ये है कि हमारे जो हम लोग इमरजेंसी करते हैं उसमें हमें सुरक्षा दी जाए, नाइट ड्यूटी करती है महिलाएं हैं और डॉक्टर साहब ले महिलाएं डॉक्टर हैं, और हमारा जो स्टाफ है उसमें हमको सुरक्षा भी दी जाए। आपने सुना कि डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनमें काफी आक्रोश है, उनका कहना है कि कलकत्ता जैसी घटना दोहराई ना जा सके इसको लेके भी सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसके साथ ही कलकत्ता वाली घटना में सघनता से जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये बेंच है सीएससी किच्छा की जिसपे कुछ मरीज बैठे हुए हैं और कुछ मरीज यहाँ काफी देर तक इंतजार के बाद वापस लौट गए, क्योंकि 24 घंटे के लिए जिस तरह से सीएससी जो है बंद है, सीएससी की जो ओपीडी है पूर्ण रूप से बंद है, जबकि इमरजेंसी जो है अभी भी चालू है। इमरजेंसी में जो मरीजों का इलाज है, इमरजेंसी में आने वाले जो जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि ओपीडी पूर्ण रूप से बंद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे भी दिखाएं इस सीएससी को, सीएससी में आप जहां देखेंगे वहां ताले लगे हुए हैं, इसके साथ ही इस तरह के पर्चे भी लगे हुए हैं। जिस तरह से कलकत्ता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी थी उसको लेके डॉक्टरों में खासी नाराजगी है, इसके साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की तो स्वास्थ्य कर्मी काफी नाराज हैं, उनकी यह डिमांड है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से कलकत्ता में जो कांड हुआ है उसकी जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसके साथ ही इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये औषधि वितरण कक्ष है, यहाँ हर दिन जो है सैकड़ों की संख्या में मरीज आकर दवाइयां लेते हैं, लेकिन जिस तरह से आज 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद की गई है उससे कहीं ना कहीं मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है जहां पे वो जाकर अपनी दवाइयां ले रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।